एक आदमी झूठ बोलने पर थप्पड़ मारने वाला रोबोट अपने घर ले आया। बेटे ने दूसरे दिन स्कूल जाने के समय पे कहा, पापा जी मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रॉबर्ट ने एक सटाक दी। तभी बाप ने कहा, बेटा जब हम तुम्हारी उम्र के थे तब हम झूठ नहीं बोला करते थे। तभी उसके भी एक सटाक रॉबर्ट ने दी। इतने में पत्नी हंसते हुई आई और बोली, ये तो तुम्हारा ही बेटा है। इतने में उसके भी एक रॉबर्ट ने सटाक से दी और तभी से घर में सन्नाटा है। टीचर बताओ, आई लव यू शब्द का आविष्कार किस देश में हुआ है? स्टूडेंट, की चाइना। अध्यापक, वो कैसे? स्टूडेंट, इसके सारे गुण चाइनीज उपकरणों की तरह हैं। चले तो चांद तक, ना चले तो शाम तक, ना कोई गारंटी। अध्यापक, इस मुहावरे का अर्थ बताओ। सांप के दुम पर पैर रखना। छात्र, जी बीबी को मायके जाने से रोकना। एक हमारे दोस्त हैं, डॉलर में यूरो में कमा रहे हैं। अच्छी बात। और एक हम हैं, पहन के खुश हैं। बेबी, मैंने सुना तुम इंग्लिश में फेल हो गई। Who told you? It's impossible. I am watching result yesterday. I passed away. ठीक है, bye. Bye. May God blast you. मित्रों, आज जब मैं कपड़े धो रहा था तो पड़ोसन बोली, शादी क्यों नहीं कर लेते? मैंने भी बोल दिया, इससे ज्यादा कपड़े मैं अब नहीं धो सकता। भाड़ में जाएं लोग और लोगों की बातें, हम तो ऐसे ही जिएंगे जैसे हम जीना चाहते हैं। मैं तो चाय पीने वाली ढूंढता रहा तो खून पीने वाली मिल गई।